लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर टू सम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 14 इन एक्सरसाइज 2.2। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? It means Lakshmi ek bank mein cashier hai. Uske paas nagdi ke roop mein 100 rupaye, 50 rupaye वह 10 रुपये वाले नोट हैं और उनकी संख्याओं में 2:3:5 है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। अलग अलग नोट के नंबर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल मान लेते हैं जिसे हम एक्स मानते हैं और उस एक्स की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं उन रेशियो से जो कि नोट्स का रेशियो है और इस तरह से हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज बी 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। और 100 रुपये वाले नोट की जो वैल्यू है वो जाएगी हमारे पास 2x मल्टीप्लाई बाई 100, इट मीन्स 200x। सिमिलरली 50 रुपीज वाले नोट्स की वैल्यू हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई बाई 50, 150x एंड वैल्यू ऑफ 10 रुपीज इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि इन सारे नोट का सम 4 लाख है तो 200x 150x और 50x को हम ऐड कर देंगे जो कि आ जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2x, 3x और 5x के बाद तो हो जाएगा x की वैल्यू जाएगी 1000 और 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 100 रुपीज़ वाले नोट्स की संख्या हो जाएगी 2000 और 50 रुपीज़ वाले नोट्स की संख्या हो जाएगी 3000 और 10 रुपीज़ वाले नोट्स की संख्या हो जाएगी 5000। है ना इजी। नेक्स्ट, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 वाले सिक्के हैं और 2 रुपए वाले कॉइन्स की संख्या 5 रुपए वाले कॉइन्स की संख्या की तिगुनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास 160 है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं। फिर से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक वेरिएबल मान लेते हैं और लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स बी एक्स, देन 2 रुपीज़ कॉइन्स के नंबर 5 रुपीज़ कॉइन्स के नंबर से तिगुने, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स के नंबर कितना चाहेंगे 3x। और सिमिलरली जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वह है 160, तो 160 माइनस नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स प्लस 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो 3x प्लस x 4x, तो 160 से हम 4x को माइनस कर देंगे जो आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स। सिमिलरली
ठीक पहला वाला क्वेश्चन की तरह वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स एक्स मल्टीप्लाई 5x एंड वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स 3x मल्टीप्लाई बाई 2 6x एंड वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 160 माइनस 4x और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास 300 रुपीज़ है तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300 5x और 6x को ऐड कर दिया 11x 160 माइनस 4x इक्वल टू 300 11x और 4x को एडजस्ट कर दिया 7x आया और 160 को रिप्लेस करा इधर से 300 के साथ लेके गए तो 300 माइनस 160 140 नाउ वैल्यू ऑफ एक्स आ गई 220 अगेन नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स एक्स इक्वल टू 20 2 रुपीज कॉइन्स 3x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 360 एंड नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 20 80 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 तो ये अलग अलग तरह के कॉइन्स के नंबर्स मेरे को मिल गए 20 60 एंड 80 द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63 इट मीन्स एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए नंबर ऑफ विनर्स को एक्स मान लेते हैं और जो टोटल पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स को 63 से माइनस कर देते हैं और वो पार्टिसिपेंट्स जो कि विनर नहीं हुए वो हमारे पास हो जाएंगे 63 माइनस एक्स और जो पार्टिसिपेंट विनर हुए उनको प्राइज मिला 100 रुपीज तो इस तरह से जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई विनर्स को वो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इट मीन्स 100x और जो पार्टिसिपेंट विन नहीं हुए उनके लिए हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो प्राइज मनी है वो है 3000 तो 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000 और यहाँ पे बॉड मास रूल यूज करेंगे और 25 से 63 को मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से x को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000 100x से 25x को माइनस कर दीजिए 100x माइनस 25x 75x और 1575 को रिप्लेस कर दिया दूसरी साइड तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19 इसकी जो वैल्यू आई 19 ये हो गए हमारे नंबर ऑफ विनर्स तो 25 में से 19 पार्टिसिपेंट्स विन हुए